2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए, किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं बाद में बात करूंगा क्या दिक्कत है, उसकी भी डिटेल बात करूंगा, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है इसका सत्य छुपाना है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसका सत्य छुपाना है। माननीय वर मान्यवर, उसके बाद में 15 में अचानक ही दिल्ली राज्य सरकार ने एक विषय सर्कुलर निकाला जिसमें उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार अपने हाथ में लिए। केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया, हाईकोर्ट का फैसला केंद्र सरकार के पक्ष में आया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया, उसमें खंडित जनादेश आया, फिर संविधान पीठ बनी, संविधान पीठ ने कुछ फैसले कर नीचे फिर से दो जजों की बेंच को दिया, उसमें भी सहमति नहीं बन पाई और फिर से संविधान पीठ बनी जिसने अभी अभी फैसला दिया। माननीय वर वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन उन्होंने कानूनी और मॉरल दृष्टि से नहीं किया, उन्होंने इंटरप्रिटेशन कानून की स्थितियों का करते हुए ये कहा है कि फिर भी दिल्ली देश की संसद को और भारत सरकार को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए हर प्रकार का कानून बनाने का अधिकार है। वो अधिकार का उपयोग कर एक वटहुकम, एक नोटिफिकेशन निकाला गया और वो नोटिफिकेशन इसलिए निकालना पड़ा कि संसद उस वक्त काम नहीं कर रही, मतलब संसद बैठी नहीं थी, बैठकें चल नहीं रही, तो नोटिफिकेशन निकला और संसद सत्र के अनुपस्थिति में जो नोटिफिकेशन निकला इसको मैं यहां लेकर आया हूं, जो आज सदन के चर्चा के लिए मैंने आप सबके सामने रखा है। मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनंती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए, किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए।